अपनी मांगों को लेकर बीते एक पखवाड़े से अतिरिक्त हलकों का कार्य बहिष्कार कर रहे पटवारियों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व पटवारियों ने सरकार की कथित अनदेखी के विरोध में कार्यालयों में जमकर नारेबाजी की तथा सरकार के रवैये का विरोध जताया। पटवारियों ने मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में जल्द मांगों का निस्तारण नहीं होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। इसके विरोध में पटवारियों ने सोशल मीडिया के सरकारी ग्रुपों से हटकर विरोध जताने का भी निर्णय लिया है। पटवारियों ने बताया कि बीते 6 अक्टूबर से पटवारी अपनी मांगों को लेकर काला मास्क व काली पट्टी लगाकर कार्य कर रहे हैं। इस बीच कई बार धरना प्रदर्शन आदि के जरिए भी सरकार का ध्यान आकर्षण किया। बीते एक पखवाड़े से अतिरिक्त हलकों का काले बहिष्कार किया जा रहा है, बावजूद इसके सरकार अब भी ध्यान नहीं दे रही है। इससे पटवार संघ में रोष है और इसके विरोध में आंदोलन को उग्र करने का भी प्रस्ताव लिया गया है। पटवारियों ने बताया कि सरकार के रवैये के विरोध में सभी पटवारी सरकारी सोशल मीडिया ग्रुपों से लिप्त होंगे। ऑनलाइन क्रॉप कटिंग कार्य का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। वहीं 8 फरवरी से सभी संभाग मुख्यालयों पर लाल बस्ता सड़क पर का आयोजन कर धरना दिया जाएगा। 20 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर रक्तदान शिविर एवं राजकीय अवकाश के दिन कोई कार्य नहीं किया जाएगा। राजस्थान पटवार संघ अपनी वेतनमान संबंधी मांगों को लेकर के पिछले 13 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इसी क्रम में हमने शुरू से ही काली पट्टी बांधकर, काला मास्क पहनकर, फल वितरित करके, मूक रैली निकाल के, ट्विटर पर ट्रेंड करवा के हर तरह से सरकार के पास हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमने प्रयत्न किया है। फिर भी सरकार को हमारी वेतन संबंधी मांगों के संबंध में कतई कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राजस्थान पटवार संघ अपने इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पिछले 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्य को बिल्कुल ड्रॉप किया हुआ है। अतिरिक्त पटवार मंडलों का कार्य नहीं करके अपने केवल मूल पदस्थापन के कार्य संपादित कर रहा है। इसी क्रम में 1 फरवरी 2021 यानी आज से ही हमारे संभाग स्तर पर ये रैली है। इसके अलावा 8 फरवरी को हमारा जो है लाल बस्ता सड़क पर एक रैली का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाएगा। उसके बाद में 20 फरवरी 2021 को 1 यूनिट 3600 के नाम पर हम संभाग स्तर पे जिला मुख्यालय पे ब्लड डोनेशन शिविर रखने जा रहे हैं और 28 फरवरी को अंतिम निर्णय हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री राजेंद्र निमीवाल जी महासमिति अथवा वीसी के जरिए जो भी निर्णय होगा वो आगे और कठोर कदम उठाए जाएंगे। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य मांग वेतनमान संबंधी है। पे मैट्रिक्स में L10 अथवा ग्रेड पे 3600 किया जाना। हमारा वेतन 1/3 ग्रेड अध्यापक से भी कम है, जबकि दुनिया भर के काम हमसे करवाए जाते हैं। कामों को अगर गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। भांति-भांति का कार्य पटवारी करता है। तकनीकी पद घोषित करवाने के लिए काफी समय से प्रयास रहते हमारे पद को तकनीकी घोषित करते हुए हमें L10 अथवा 3600 दी जाए। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।